साथ अपनी सुबह शेयर करती हूँ। आपका फूल पढ़ना में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए अभी सुबह के 8 बजे हैं, ये मेरे घर के सामने का है दृश्य, कितना सुंदर है। देखिए मेरे घर के ठीक सामने केनाल है और ढेर सारे नारियल के पेड़ लगे हैं और इतनी अच्छी और ठंडी हवा आती है सुबह, मन एकदम आपका फ्रेश हो जाए। किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ इस जगह पर आप अगर थोड़ी देर भी बैठ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं आपके साथ अपने लंच की ट्रिक शेयर करूँ। लंच में मैं बना रही हूँ चावल, दाल, तुरई की सब्जी चना डाल के, आलू की भुजिया और आलू का अचार, और साथ में तो सुबह चाय और नाश्ता चलता ही है तो मैं चाय भी लूँगी। तो चलिए अब हम आपको आज के अपने लंच के रूटीन के तरफ ले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपके साथ अपने लंच की रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी बटन दबाइएगा जिसमें मेरी नई रेसिपी आपको मिल जाए, और आप प्लीज थम्स अप भी जरूर लगा देंगे। थैंक यू दोस्तों। तो मैं शुरू करती हूँ। एक तरफ मैंने अपने चाय के बर्तन को चढ़ा दिया है, अभी मैं एक तरफ चाय बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैंने दाल को 4 पानी से लगभग धो के कुकर को चढ़ा दिया है। अब मैं पहले दाल में दाल चढ़ाऊंगी। दाल को मैं छौंक के ही चढ़ाती हूँ, उससे दाल में पूरी तरह फ्लेवर आ जाती है। इसलिए दाल में मैंने पहले सरसों का तेल डाला है। अब सरसों का तेल डालने के बाद मैं इसमें, जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें जीरा डालूंगी और थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। जीरा और हींग से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही दाल डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। दोस्तों जब भी आप दाल धोएं, कम से कम 4-5 पानी से धोएं, जब तक उसकी फेन वाली पानी ना जाती हो तब तक धोएं। अगर आप दाल को पूरी तरह नहीं धोते हैं तो उससे आपको गैस होती है, इसे 4-5 पानी से धो के ही आप दाल को बनाएं और अच्छी तरह से मसल मसल कर धो लें। तो इस तरह मैंने दाल को कुकर में डाल दिया है और साथ में मैं हल्दी और नमक भी डाल दूंगी। साथ ही मैं हल्दी और नमक डाल के कुकर को बंद कर दूंगी। अभी मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और अब मैं हल्दी डालूंगी। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे ज़रूर ही लाइक कीजिए का बटन दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा तथा साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज मैं फुल बिहारी थाली बनाने वाली हूँ। एक तरफ मैंने कुकर को बंद कर दिया है, दूसरी तरफ मैं चाय की तरफ ध्यान दूंगी। चाय को मैं अच्छी तरह बॉईल करती हूँ। चाय जितना बॉईल होता है उसका फ्लेवर उतना ही आता है, इसलिए चाय को हमेशा ही खूब अच्छी तरह से बॉईल करना चाहिए। चाय बन जाने के बाद पहले मैं चाय लूंगी। चाय भी हो रही है और साथ ही साथ में आलू के भुजिया को भी चढ़ा दूंगी।
एक तरफ मैंने आलू की भुजिया को चढ़ा दिया है। आलू की भुजिया में मैंने तेल डाल के आलू को डाल के चढ़ाया है और साथ में दो चार बार चला लिया है, और दूसरी तरफ कुकर रख कर मैं तुरई की सब्जी डालूंगी। तुरई की सब्जी के लिए मैंने कुकर को गर्म करके पहले उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया और साथ ही मैं आलू की भुजिया को भी चला रही हूँ। अब मैं उसमें जीरा डालूंगी, और साथ में थोड़ी सी हींग भी डालूंगी। अगर आपके पास लाल मिर्च या हरी मिर्च हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी थी। साथ ही साथ मैं उधर कढ़ाई में रखे भुजिया को भी चला रही हूँ। इधर मैंने जब जीरा और हींग तड़क गए तो मैं कटे हुए लंबे लंबे कटे हुए प्याज को कुकर में डाल दिया। अब प्याज को हम हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब मैं आगे उसमें मसाला डालूंगी। मैंने प्याज को ऊपर नीचे करके हिला दिया। प्लीज आप वैसे मत कीजिएगा, आप उसे किसी चम्मच से या पलटे से चलाइएगा। साथ साथ में मैं आलू को भी चला रही हूँ। अब मैं इसमें जब प्याज हल्के गुलाबी हो जाए तो इसमें मैं थोड़ी सी स्वादानुसार नमक डालूंगी। साथ ही के साथ मैंने आलू के भुजिया में भी नमक डाल दिया है। आलू के भुजिया में कभी भी शुरू में नमक मत डालें, वरना आलू आपस में चिपक जाते हैं और अच्छे से भूनते भी नहीं हैं। जब थोड़ी देर आलू में क्रस्ट आ जाए फिर उसके बाद उसमें नमक डाला करें। उससे आलू बहुत ही अच्छे बनते हैं और क्रिस्प भी होते हैं और साथ में आपस में चिपकते भी नहीं। अब मैं हल्दी डालूंगी। दोनों तरफ मैंने हल्दी डाल दिया, आलू के भुजिया में भी मैंने हल्दी डाला है और इधर तुरई में भी मैंने हल्दी डाल दिया है। आलू लगभग पक चुके हैं इसलिए लास्ट में मैं उसमें हल्दी और मिर्चा डाल रही हूँ। तुरई में अब मैंने मिर्च पाउडर डाला है, मैं कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च डालती हूँ। उससे यह तीखा भी कम होता है और सब्जी में कलर भी बहुत अच्छी आता है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं तुरई कुकर में डाल दूंगी। तुरई को मैंने छील के धो के फिर काटा था। तुरई को कभी भी धोकर बिना धोए ना काटें, जब भी काटना हो धोकर ही काटें, क्योंकि धोने के बाद उसमें उसकी सारी विटामिन खत्म हो जाती है। इसलिए आप धो के तब काटें तुरई को। साथ ही साथ में आलू के भुजिया को भी चला चला के पकाती जा रही है। अब मैंने तुरई में सभी कुछ डाल के एक बार हिला के उसे ऊपर नीचे कर लिया है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। अब मैं तुरई में चना डालूंगी। मैं तुरई और चना की सब्जी बना रही हूँ इसलिए मैंने भीगे हुए चने को तुरई में डाला है। मैंने लगभग 2 मुट्ठी के हिसाब से डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार उसे भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तुरई में डाले हुए चने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार फिर से आप सब्जी को चला लें। सब्जी को चला के आप कुकर को बंद कर दें। 2 या 3 सीटी देने के बाद आप कुकर को खोल दें।
इतने में सुरई की सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, पानी डाल वो सुरई खुद ही पानी रिलीज करता है। जैसे ही आप नमक डालेंगे तुरई खुद ही पानी छोड़ेगा, उसमें ही चने और सारी सब्जी पक जाएंगी। दो तीन सीटी देने के बाद मैंने तुरई को बंद कर दिया था और साथ ही मेरी आलू की भाजी भी तैयार हो गई थी। हम इसे हम लोग बिहारी में आलू की भुजिया कहते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरी तुरई की सब्जी तैयार हो गई है। देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया। अब मैं एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ मेरी भुजिया भी तैयार हो गई है और साथ साथ मेरे चावल भी बनके रेडी हो जाएंगे। और एक तरफ तुरई की सब्जी देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे लंच की थाली बिल्कुल ही तैयार हो गई है। मैंने बासमती चावल बनाया है, रहर की दाल छौंकी भी बनाई है, साथ में तुरई और चना दाल चने की सब्जी बनाई है और मैंने नारियल का रायता बनाया है। मैंने नारियल को पीस के ग्राइंडर में पीस के और साथ में दही चीनी नमक और भुना हुआ जीरा मिला दिया है। इस तरह मेरे नारियल का रायता और आलू की भुजिया परफेक्ट बिहारी खाना मेरा तैयार है। अब प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ही इसे लाइक कीजिएगा। अब मैं आलू की अचार की रेसिपी बताती हूँ। अब मैं आलू के अचार की तरफ आती हूँ। मैंने सबसे पहले आलू को बॉयल करके छील के चार टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही मैंने हरे धनिया के पत्ते को और एक ग्रीन चिली को बहुत ही बहुत बारीक बारीक काटा है। दोस्तों ये आलू के अचार की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं। ये दो तीन दिन तक इसमें कुछ भी नहीं होती है, ये बिल्कुल सूखी रहती है। आप इसे पूरी पराठे आलू को पूरी पराठे या चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये सभी चीज़ों के साथ उतनी ही अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ में आप इसको इसे खा सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे साथ में पूरी के साथ ले जाएं तो दो तीन दिन तक यह ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें पानी ज़रा भी नहीं डालना है। मैंने आलू के उबाल के चार टुकड़े में काट के और रख लिया है। साथ ही मैंने धनिया और हरी मिर्च को भी खूब बारीक बारीक काट के रख लिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और मैंने अचार के मसाला में जवाइन मंगरेला सौंफ और सरसों और थोड़े से धनिया को हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया है। मैं पूरी रेसिपी आपको सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज आप उसमें देख लेंगे। अब मैंने इसमें हल्दी के साथ लाल मिर्च डाली है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अचार के मसाले में भी थोड़ी सी मिर्च है, इसलिए आप इसमें मिर्च थोड़ा डालेंगे और नमक आप इसमें डाल देंगे। मैंने लगभग एक चम्मच नमक डाला है, आप आलू के क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालेंगे। अब मैं इसमें सरसों के तेल डालूंगी। मैं चूंकि सरसों का तेल खाती हूँ और सरसों का तेल का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है और एक दो 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 दिन तक कुछ भी खराब नहीं होता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल डाला है। प्लीज आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छा जाता है। अब मैं इसमें अपने बनाए हुए आलू के अचार के मसाले को डालूंगी। मैंने लगभग दो चम्मच आलू के अचार के मसाले को डाला है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आलू के अचार के मसाले को बढ़ा और घटा सकते हैं। क्योंकि मेरे आलू कम थी इसलिए मैंने लगभग दो चम्मच डाला। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। क्योंकि इसे मुझे घर में खाना है इसलिए मैं हाथ से मिला रही हूँ। अगर आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं इसे तो प्लीज़ आप चम्मच से मिलाएंगे, हाथ इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और हाथ अगर उसमें नहीं लगेगा तो ये दो तीन दिन तक भी खराब नहीं होगी। इसे आप जिप्लॉक बैग में रख के या अल्मोनियम फाइल में रैप करके भी ले जा सकते हैं।
इसमें कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही अच्छी डिश है। इसे आप अपने खाने में दोपहर के या रात के दोनों ही समय इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ। मैं तो जब कहीं बाहर जाती हूँ पूड़ी के साथ इस आलू के अचार नुमा सब्जी को लेके जाती हूँ। अब मैं इसे एक डब्बे में, मैंने सबको अच्छी तरह मिला लिया है, अब मैं इसे एक डब्बे में डाल दूँगी और इसे ठीक से रख दूँगी। आप इसको खाने तक बाहर रख सकते हैं, इसके बाद प्लीज आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे और खाने के 15-20 मिनट पहले निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे और आप इसे आराम से खा सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद आप इसे एक हफ्ते तक खा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो लंबी कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, तो आज की यह मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर ये डिश अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे थम्स अप जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर दूसरी रेसिपी के साथ और भी बेहतर रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।